प्रमोशन करने अपने नेक्स्ट स्टोरी सॉन्ग का, जिसका नाम है बदल। सबके जितने भी गाने हैं ना, I would request everyone to please badda shant thai jao please. और सभी को, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आज अहमदाबाद आया हूँ अपने सॉन्ग बनी की प्रमोशन करने के लिए। मेरा नाम मुकुट गौड़ है और मैं एक ओरिजिनल आर्टिस्ट हूँ। मैं एक सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ। मैंने एक्टिंग भी करी है, पर फिलहाल मेरा फोकस अपने आने वाले, सर एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे बताएंगे मैं किस कैमरा की तरफ कौन सी बीच में, ठीक है? अरे चलेगा, हाँ चलेगा, ठीक है, रेडी ओके सर। नमस्कार, मेरा नाम मुकुट गौड़ है और मैं आज अहमदाबाद आया हूँ। मेरी बहुत फेवरेट सिटीज में से एक है और यहाँ पे मैं अपने नेक्स्ट स्टोरी सॉन्ग का प्रमोशन करने आया हूँ। उसका नाम है वहीं। अच्छा, अपने जितने भी गाने होते हैं ना, वो सिर्फ सॉन्ग्स नहीं होते हैं। रीजन ये है कि हर सॉन्ग के पीछे एक स्टोरी होती है जो मेरी रियल लाइफ से रिलेटेड होती है, और क्योंकि मैं मेरे गाने खुद ही बनाता हूँ, खुद ही लिखता हूँ, तो इसलिए वो स्टोरी सॉन्ग है। तो मेरे सारे गाने मेरी स्टोरी कहते हैं, मुझ बेचारे की स्टोरी। तो वही एक ऐसा स्टोरी सॉन्ग है जो बताता है कि कैसे मैं किसी को एक दिन याद कर रहा था। मेरे सारे दोस्तों को, हम सब साथ में बैठे हुए थे और मुझे किसी की याद आ रही थी, और याद आते आते मेरे दिल में से एक लाइन गूंजी जिसका नाम था दिल तो वही है वही। और ये लाइन ऐसी गूंजी, इसकी ऐसी धुन बनी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं जहाँ बैठा हुआ था जिन दोस्तों के साथ में थे, मैं से उठकर चला गया। और उसके बाद में 2 घंटे तक मैंने मेरे गाने को लिखा, बनाया। मेरे दोस्त नॉक करते रहे गेट पर, मोहित तो ठीक है, तू जिंदा तो है? और फिर मैं 2 घंटे बाद उनके सामने गाने की डायरी पेश करता हूँ कि 2 घंटे में ये लिखा है। और वो 2 घंटे में बनाया हुआ गाना अब आप सबके सामने हाजिर है, यूट्यूब पे है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा अपना टाइम निकालें और यूट्यूब को पे सर्च करें, मेरा नाम सर्च करें, मोहित के स्टोरी सॉन्ग सर्च करें, वही सर्च करें WAHIN डालते ही आपको सारे प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे अपना सॉन्ग मिल जाएगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सर मैंने अभी तक अराउंड 9 गाने गा लिए अलग अलग एल्बम्स, कुछ मूवीज में और खुद के भी कुछ और नहीं गाने, ऐसा 9-10। सर इस गाने की कड़ी हो जाए, मैं सुना आपको। मैं इस गाने की मेरी सबसे फेवरेट जो लाइन है ना, वो आपको सुनाता हूँ। तो कैसा की आप जब किसी को याद कर रहे होते हो ना, तो भले आप इस उस इंसान के बिना अधूरे हो, पर उसकी यादों में आप पूरे हो। तो इस पूर्णता को या इस पूरेपन को ये लाइन बताती है कुछ इस तरह से कि मोर के सारे पंख खुले वैसा ही मैं ज्यादा सा बेच लड़ाते कटके फिरता जाता जाता सा। अब यहाँ लगता नहीं है, अब बस यहाँ लगता नहीं Thank you so much. Thank you so much, sir.